कहते हैं ना जो कि भाई जो भी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसको फल जरूर मिलता है। वैभव बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वैभव। क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया आपने, क्योंकि डॉक्टर्स बनना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब तो सरकार ने भी कह दिया कि अपनी मेहनत से ही, किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होता है। किस तरह से ये पूरा सफर रहा, क्योंकि आप इंटर्न भी की, आपने लगातार स्ट्रगल भी की, माँ बापों का नाम भी रोशन किया। हाँ जी सर, मैंने 2018 में MBBS ज्वाइन किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में जी। और फिर उसके बाद 5.5 साल MBBS करने के बाद अभी 11 अगस्त को हुआ था ये नीट PG का परीक्षा, जिसमें मेरा रैंक 1 आया है जी। तो इसमें एक लंबा सफर है ये, और आगे भी काफी लंबी पढ़ाई है। तो इस पूरी पढ़ाई में एक सपना होना जरूरी है, एक दिल में चाहत होनी जरूरी है इस पूरे फील्ड के लिए, कि पेशेंट की सेवा करने के लिए, मरीजों का अपने पूरे दिल से, जितना भी हमने पढ़ाई की है किताबों से, उन सबको रियल लाइफ में एप्लीकेशन में लाना, उससे सीखना और उसको फिर पेशेंट्स को उससे हेल्प, उसकी मदद से सही दवाई देना, ये भी एक कला है जो कुछ थोड़े समय में नहीं आ सकती, इसके लिए एक लंबा सफर जरूरी है। यानी कि पेशेंट बहुत जरूरी है, एक पेशेंट जो रखना, एक काम के साथ साथ हर मरीज को देखना है, हर तरीके से काम करना है, उसके साथ साथ स्टडी भी करनी है। हाँ जी सर, ये बहुत जरूरी है। हाँ तो ये सफर में कहाँ कहाँ मुश्किलें आई, पेरेंट्स का किस तरह से साथ रहा, उनके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूट के जो सर थे, टीचर्स थे, उनका किस तरह से साथ रहा? हाँ जी सर, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा साथ था, मतलब पेरेंट्स का सैक्रिफाइस हर स्टेज पे, जब भी कोई फंक्शन होता है, घर के काफी फंक्शन मिस हो जाते हैं, कभी कोई परीक्षा होती है, कोई कॉलेज में हमारे जैसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं हर साल, उसके कारण या फिर इस परीक्षा के कारण, तो काफी सैक्रिफाइसेस पेरेंट्स की तरफ से भी रहते हैं, और वो भी अपना सारा एंजॉयमेंट, सारी जो भी उनकी इच्छा होती है कहीं घूमने जाने की, वो सबको भी उन्हें त्यागना पड़ता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और कॉलेज के जो मेरे प्रोफेसर्स हैं हमारे GMC चंडीगढ़ में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने पहले साल से ही आखिरी साल तक जो हमारे क्लासेस होते थे, जो हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती थी, उनमें जो हम पेशेंट्स देख के उनको किस दिक्कत के साथ पेशेंट्स आए हैं वो हम उनके साथ डिस्कस करते थे, फिर हमें सिखाते थे कि इस पेशेंट में और क्या क्या आपको देखना चाहिए था, इनका कैसे इलाज हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि क्या बीमारी है किसको, वो हम उनके साथ डिस्कस करते थे। यानी कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है जो हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छी तरह से कराया गया, तो उसका भी काफी मदद रहती है, इवन दोनों चीजों के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी और आगे बड़े होके जैसे प्रैक्टिस में भी, वो काफी लाभदायक रहता है। बिल्कुल, क्योंकि नीट UG का भी 2018 में आपने एग्जाम दिया था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी आपका 69, हाँ जी 69 रैंक। तो इस अगर बात करें, इस बार कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो अटेम्प्ट किया था? सर इस बार नीट PG की परीक्षा 2.25 लाख, लाइक 2,25,000 डॉक्टर्स ने दिया था जिन्होंने MBBS किया हुआ था सब। ठीक है, तो आपका ऑल ओवर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्योंकि मंजू मैम आप खुद टीचर हैं स्कूल में, किस तरह से देखते हैं, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है? हाँ जी, नहीं आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे बेटे के ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, और इसने शुरू से ही बहुत मेहनती था, बचपन से ही मैं इसको देखती थी, तो पहले DAV स्कूल में पढ़ता था, फिर इसने सेंट जॉन से पढ़ाई करी, तो बचपन से इसको रहता था कि मैंने हर पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और शुरू से ये मतलब फर्स्ट 5 पोजीशन में रहता था हर एग्जाम में ना। यानी कि यही है कि दिल में अगर जज्बा हो तो सब कुछ संभव है। हाँ जी, सब कुछ संभव है, इसमें ये जज्बा था, है अभी भी है, अभी भी है। हाँ जी, और रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैम जैसे वैभव ने बताया कि हर चीज को छोड़ना भी पड़ता है, चाहे घर के फंक्शन हो, घर के प्रोग्राम्स हो, क्योंकि एक जगह आपने फोकस लगा दिया तो उस फोकस को आपने मेंटेन रखना है। हाँ जी, तो कैसे वैभव का क्या रहा था, कोई फंक्शन वगैरह में ज्यादा अटेंड करता था परिवार वालों के साथ? हाँ नहीं नहीं, बस जो जहाँ पे जरूरी होता था वहीं ले जाते थे इसको। अच्छा। और कहीं भी हमें घूमने का भी प्रोग्राम होता तो हम सोचते थे नहीं वैभव तो नहीं जा सकेगा तो हम भी रहने देते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, आप लोगों भी नहीं कॉम्प्रोमाइज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमें थोड़ा सा बाहर से भी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं रखते थे कि घर में कोई ज्यादा आए जाए ना, जिससे कि इसको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ना घर में कोई आएगा तो शोर भी होता है उससे, तो थोड़ा अवॉइड करते थे। ये भी बहुत जरूरी है वैभव, क्योंकि ऑनलाइन जैसे आपने बताया ऑनलाइन की मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं, यू नो बेटर, किस तरह से ऑनलाइन आप उसको देखते हो, क्योंकि मोस्टली आपने ऑनलाइन ही इसमें सारा कुछ स्टडी किया।
हाँ जी सर, क्योंकि जो MBBS है उसमें जो लेक्चर्स होते थे वो सब ऑफलाइन है, तो मैं अपने कॉलेज के जो मेरे प्रोफेसर थे उनसे मैं ऑलरेडी सब कुछ सीख चुका था. बट एग्जाम के पास जब समय कम होता है तो उसमें सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है. तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ने का, पूरे दिन में ड्यूटी के बाद या फिर अगर पूरा दिन भी है तब भी जो टाइम मिलता है उसमें सेल्फ स्टडी से उसको एक अपने आप प्लान बना के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कर सकते हैं. तो पूरे किस तरह से एडजस्ट करते थे आप, क्योंकि आपने इंटर्न में भी जाना है, उसके बाद आपने ऑनलाइन भी जो है एग्जाम के कितने घंटे जो है वो स्टडी वगैरह पे रहता था? सर जैसे ड्यूटी जिस दिन होती थी तो 3 से 4 घंटे मैं कोशिश करता था कि मैं दे पाऊं, अगर 6 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी है. और जब मेरे पास पूरा दिन होता था तो 12 घंटे मैं कोशिश करता ही था कि मिनिमम 12 घंटे मैं रोज पढ़ाई करूं, यानी कि कंटिन्यू मतलब स्टडी ऑनलाइन करना है. हाँ जी, उसमें काफी आपका सहयोग परिवार वालों ने भी दिया. हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत सहयोग. तो किस तरह से आपका रोड मैप है आगे, अब किस तरह से आगे? सर आगे मैं दिल्ली में MD मेडिसिन लेने का सोच रहा हूँ. उसमें दिल्ली में मैमसी दिल्ली और राम मनोहर लोहिया PGI जो है कनॉट प्लेस में, वहां पे मैंने सुना है कि अच्छा MD मेडिसिन का कोर्स है, तो मैं वो लेने का आगे सोच रहा हूँ सर. तो आपने इंटर्न भी किया GMCH में जैसे आपने बताया, किस तरह से आपने सारी चीजों को देखा, क्योंकि लगातार बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लगातार पॉपुलेशन भी ऑब्वियस बढ़ी है, तो किस तरह से, क्योंकि डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, तो किस तरह से आपने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया? सर जैसे मेरी इंटर्नशिप थी तो उसमें हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती है हमारी, 1-1.5 महीने की, कहीं 15 दिन की. तो मैंने उसमें देखा कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट्स का लोड ज़्यादा है और डॉक्टर की कमी है. बिल्कुल. तो उसमें मुझे ये लगा कि अगर डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं और सुविधाएं बड़ी, नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल्स हों, तो पेशेंट्स को बेटर केयर प्रोवाइड की जा सकती है. और फिर और क्योंकि हमें ये पता है कि सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब सब मेजॉरिटी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आके ही इलाज करवाते हैं. और उसमें मोस्टली जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं डॉक्टर्स वो, और जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं और जो प्रोफेसर हैं वो ही उनका ख्याल रखते हैं. तो अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी, इनका नंबर बढ़ेगा और सुविधाएं बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और क्लीन नीट हॉस्पिटल्स होंगे, तो अच्छी केयर प्रोवाइड करी जा सकती है, जिससे पेशेंट्स को भी जो है काफी फायदा हो सके. हाँ जी.